नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। जी हां, देख पा रहे होंगे कुछ जो लोग जो है पैदल यात्रा जो है कर रहे हैं और तिरंगे बिल्कुल इनको हाथों में है। ये आपको बता दें कि एक पद यात्रा है जो आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर्स कह लो या सोशल एक्टिविस्ट कह लो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लो या सोशल एक्टिविस्ट कह लो। हमारे साथ में जो है वसीम साहब भी हैं और ये लाइव जो है विजुअल्स हैं आप देख पा रहे हैं। तो वसीम साहब क्या कहेंगे आज? अवेश साहब, अवेश है और मैं आपको बताऊं ये कोई पार्टी का इस तरह का कुछ नहीं है। तो ये ग्रीवेंसेस है लोगों के। आज रक्षाबंधन है और आज के दिन हम उन बहनों के नाम ये कर रहे हैं जिन बहनों के बच्चे जो है जिन्होंने खोए हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। क्या पूरा मामला था और मामले क्योंकि बताने की कोशिश करें हमारे जो व्यूवर्स अभी जुड़े। देखिए, मैं मामले की जहां तक आपको बात बताऊं, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे यहां की किस कदर जो है शैम्बल्स में हैं, किस तरह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है, आपको इस बखूबी मालूम है। और भदरवा में भी इस तरह के मामलात बहुत पेश आए हैं। हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। आप बार 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 बुहार लगा लगा के बोल बोल के रिक्वेस्ट करके उम्मीदें लगा के लिख के स्टोरीज दिखा के ग्रीवेंसेस बता के कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। आपने बहुत बार जो है वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर जो है सच्चाई जो है वहाँ की वो दिखाई है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन फ़र्क पड़ा अभी तक? देखिए, फ़र्क पड़ा होता तो शायद हमें आज ये कदम नहीं उठाना पड़ता। तो आज हम अगर 35 किलोमीटर चल के पैदल आए हैं तो उसके लिए मजबूर किए गए हैं। जब सुनवाई हुई नहीं तो हम लोग मजबूर होके जो है यहाँ आ गए। तो आप उम्मीद है आप जब भदरवा से निकले तो 4 या 5 लोग थे, बाकी ये लोग कहाँ से जुड़े आपके साथ? देखिए, रास्ते में लोग जुड़ते गए तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो दर्द रखते हैं, जो समाज का दर्द रखते हैं और जो समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए लोग जुड़ते गए और जितने हैं जो भी हैं इनकलाबी हैं, नई सोच के मालिक हैं, बदलाव चाहते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये ब्यूरोक्रेटिक तानाशाही, इसके खिलाफ जो है एक जंग के सिपाही हैं जी। तो अभी आपको मैं बता दूं कि जो रिसेंटली कल जो है हंगामा हुआ जीएमसी डोडा के अंदर, जीएमसी जो है हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो है लाइट कटने की वजह से 1-2 घंटे या 3-4 घंटे की जो है लाइट कटी थी और उसके बीच में उनके पास कोई ऐसा जो है इक्विपमेंट्स नहीं था जिससे जो है वहाँ वो ट्रीटमेंट कर पाते। एक्सीडेंटल केस जो है वहाँ पर आए हुए थे, लोगों ने बाहर निकाला उनको, पूरा रोड ब्लॉक हुआ और उसके बाद जो है पुलिसकर्मी आए और बातचीत हुई और अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। जी, मैंने वो देखा लेकिन ये नज़ारे हम वो बहुत सालों से जो है देखते आ रहे हैं। तो ये नज़ारे हमने रोज़ देखे, कल भी देखा, बड़ा दुख हुआ, फिर देख के वही तकलीफ़ हुई। तो उसी सिलसिले में हमने ये सोचा कि शायद एलजी इंतज़ामिया की नज़र में ये चीज़ हो या ना हो, बट हम कोशिश करते हैं कि चलो उन तक ये बात पहुँचे, वो ये कम से कम उनके कानों तक ये बात जाए कि ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है हम लोगों के साथ। चुनाव वैली में तो आप किसी भी कोने में जाके देख लीजिए, यही हाल है। बस इनका काम, अगर इनको डॉक्टर्स को अपॉइंट किया है तो रेफरेंस बनाने के लिए अपॉइंट किया है, ये लोग रेफरेंस बनाते हैं और डिस्पैच कर देते हैं इनको, ये है इस जम्मू की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है आप जो आज की पदयात्रा कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उनको? क्योंकि खास तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कोई खास फ़र्क तो पड़ता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस काम से जो है फ़र्क पड़ेगा, जो रहेगी कोई? देखें, हमारा काम कोशिश करना है, मरते दम तक करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस कोशिश से नहीं होगा, अगली कोशिश से करेंगे। आज यहाँ है, आज यहाँ है, कल एलजी तक पहुँचेंगे, परसों पीएम तक पहुँचेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। देख सकते हैं कि अवेश साहब जो है यहाँ पर जो है कंटिन्यू जो है पदयात्रा कर रहे हैं और अभी जो है पुलडोड़ा की और जो है ऊपर की और आप देख सकते हैं कि चलते आ रहे हैं और यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। और क्या कहेंगे आप जिस तरीके से जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हमारी सरकारें हैं जो दावा करती है कि हाँ जी बड़े सारे जो है हम काम कर रहे हैं, फैसिलिटी की बात करती है,
बहुत सारी चीजों को लेकर अथॉरिटी देते हैं कहीं ना कहीं लोगों को। जी मेरा नाम विनोद कामली है और मैं भलेसा से यहाँ पे आया हूँ। जिस तरह से आपने कहा गवर्नमेंट ने जितनी भी ये सारी बातें कही है ग्राउंड लेवल पे ऐसी हमें कोई भी चीज नजर नहीं आती है। जहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटी की बात आती है तो हमारे पूरे चिन्हा वैली में इसकी कमी है। आप भलेसा में चले जाए, आप भद्रुआ में चले जाए, आप चिन्हा वैली के किसी भी कोने पे चले जाए, आपको साफ ही नजर आएगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा एरिया है चिन्हा वैली का, जो हमारा एरिया है ये एक अगर हम टोपोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी टफ ट्रेन है इसकी। तो यहाँ पे रोड एसेस नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, फिर आपने जो टेलीकम्युनिकेशन उसकी उसकी सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे हज़ारों ऐसे केस हैं जिन्होंने जो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं और उनको बेसिक ट्रीटमेंट जो है प्राइमरी अटेंशन है वो भी नहीं मिल पाती है। तो इनके जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं, ऐसा ग्राउंड लेवल पर हमें कहीं भी नज़र नहीं आता है। यहाँ पर GMC डोडा है, यहाँ पर वेंटिलेटर की कमी। सोचो GMC डोडा जहाँ पर हमारे पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग जो है हेल्थ फैसिलिटी है कि GMC बना हुआ है यहाँ पर हमारी जान बचेगी जी, लेकिन ये GMC एक जबा खाना के रूप में सामने आया है। यहाँ पे हम हाल फिलहाल में केस देखते रहते हैं। कल हमने एक ऐसा केस देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उनके मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन उनको प्राइमरी अटेंशन देने के लिए कोई भी वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के केसेस हमें को देखने को मिल रहे हैं। तो यही एक हमारी एक गुहार है और यही हम LG एडमिनिस्ट्रेशन हो सबसे मतलब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमारी तरफ देखा जाए और जो भी हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटी जहाँ पे इक्विपमेंट्स की कमी है वहाँ पे इक्विपमेंट्स दिए जाए, जहाँ पे स्टाफ की वैकेंसीज अभी फिल नहीं हुई है वहाँ पे स्टाफ दिया जाए और हमारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। तो देख सकते हैं इंसाफ की बात हमेशा होती है, लेकिन आज की जो है पदयात्रा थी, इस पदयात्रा से क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के पद जो है वो चलेंगे और हॉस्पिटल की ओर जाएंगे और वहाँ की हालत को सुधारेंगे, देखने की बात यह है और बड़ी बात यह है। और आप देख सकते हैं कि इन सभी जो युवा हैं सभी, और युवा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि चेंज आएगा क्योंकि युवा खुद एक चेंज है और युवा चेंज ला सकता है, लेकिन ऐसे कदम जो उठाने पड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात जो है वो पहुंचानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू जो है इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, इनके साथ युवा जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात जो है हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। जी बताएं। देखिए ये महात्मा गांधी जी का देश है, भगत सिंह का देश है। भगत सिंह ने 116 दिन भूख हड़ताल करके अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। गांधी जी ने डंडी मार्च करके जो अंग्रेजों ने नमक पे जो टैक्स लगाया था उसका जवाब दिया था। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो आज की अंग्रेज सरकार है, जो आज की LG एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस बात को समझेंगे और लोगों के साथ इंसाफ करेंगे और यहां के चिन्हा वैली के जितने भी लोग हैं उनको बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, तो आपने सुना, पूरी बातचीत सुनी। अब देखना यह है कि क्या इस पदयात्रा से जो है एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ सिस्टम जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का सुधरता है। नहीं तो हम डेली जो है स्टोरीज दिखाते रहते हैं कि GMC में ये हुआ, GMC में वो हुआ, वो हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जब जो है सिस्टम सुधरेगा। तो सिस्टम सुधारने की जो है ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से क्या कुछ आप भी अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। दीजिए फिलहाल सुरेंद्र परिहार को इजाज़त और आप देखते रहे चैनल 1, बन रहे चैनल 1 के साथ, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल 1 के लिए। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन चैनल 1 प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन 7006444869।